एक साल पहले कोरोना आया, पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा नरेंद्र मोदी जी कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन के बजाय अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय मजदूरों के लिए रेलवे टिकट बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है धमकी बजा रहा है।